हरे कृष्ण। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द सेकेंड वर्स ऑफ द सिक्स्थ चैप्टर ऑफ गीता एंटाइटल्ड ध्यान योग। वी हैव सीन यस्टरडे हाउ कृष्णा डिफाइन्स द टर्म संन्यास। ही सेज दैट वन हु गिव्स अप द अटैचमेंट टू द फ्रूट्स ऑफ वन्स रिजल्ट, वन हु गिव्स अप द सेंस ऑफ मेवा इन वन्स सेवा, ही इज एक्चुअली अ सन्यासी। Krishna, he gives us a further understanding of sannyas. He says today, Yam sannyasam iti prahur yogam tam vidhi pandava nahi asanyastya sankalpo yogi bhavati gashchana. What is called renunciation, you should know to be the same as yoga or linking oneself with the Supreme. O son of Pandu, for one can never be a yogi unless he renounces the desires for sense gratification. भगवान कहते हैं जब तक हम सही सन्यास के स्तर पर नहीं आएंगे तब तक हम योगी नहीं बनेंगे, नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जब तक हम इस जगत में मेवा ढूंढना बंद नहीं करेंगे हम एक्चुअली योगी के शब्द के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे। हु इज अ योगी? अ योगी मीन्स समवन हु इज वर्किंग वेरी हार्ड टू ब्रिंग कृष्णा इन हिज लाइफ। भगवान को अपने जीवन में लाने के लिए जो भरसक प्रयास कर रहा है वो योगी है। जिसे अपने जीवन में भगवान चाहिए उसे कर्मों की श्रृंखलाओं से बाहर निकलना ही पड़ेगा। एक म्यान में दो तलवारें कैसे रह सकती हैं, है कि नहीं? एक म्यान में एक ही तलवार रहेगी, या तो हमारे कर्मफल रहेंगे या भगवान रहेंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते, अरे भगवान आप आधी म्यान आप भर लो, आधी म्यान मैं कर्मफल से भर दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर मैं कर्मफलों से अनाश्रित होता हूं, एक म्यान में से एक तलवार निकलती है तभी दूसरी तलवार वहां फिट होगी। सो नहीं असन्यस्त संकल्पो, Unless I become a sannyasi, unless I give up the fruits of my labor, till that time I am not inviting Krishna in my life. इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ भावना अमृत संघ, क्यों? वो जो भावना है कि मुझे मेरे जीवन में कौन चाहिए, मुझे मेरे जीवन में कृष्ण चाहिए। कितने चाहिए? पूरे चाहिए। इसके लिए मैं कृष्ण के लिए अपना जीवन कितना समर्पित करने के लिए तैयार हूं? पूरा समर्पित करने के लिए तैयार हूं। और ये कृष्ण को पूरा जीवन समर्पित करना इसका अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के गेरुआ पहन लेना, नहीं। लेकिन कृष्ण को सब कुछ समर्पित करना इसका अर्थ है अपने जीवन में सेवे में से मेवा की अपेक्षा छोड़ देना। क्योंकि जहां पर मैं मेवे की अपेक्षा करूंगा फिर कृष्ण कहां से आएंगे? अगर मैं सेवा करता हूं बिना मेवे की अपेक्षा के तो उस मेवा को छोड़ दिया तो कृष्ण आएंगे। अगर मैं सेवे में से मेवा ढूंढूंगा तो मेवा ही मिलेगा, कृष्ण नहीं मिलेंगे। इसलिए हम देखते हैं भगवान भी कहते हैं भगवद गीता में भी भागवत में भी, अनलेस वन गिव्स अप एवरीथिंग One actually does not get me in his life. भगवान सारी चीजें अपने भक्तों को देंगे सिवाय खुद के। केवल एक शुद्ध भक्त जिस जो कुछ नहीं चाहता जीवन में उसी को कृष्ण मिलेंगे। भगवान ऐसे ही नहीं कहते बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत दुर्लभ है वो व्यक्ति, ऐसे बाजार में घूमता हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की महिमा को देखिए, आज हम पूरे विश्व भर में किसी भी प्रांत में किसी भी कोने में जाएंगे हमको चलते फिरते महात्मा मिल ही जाएंगे जो भगवान की आराधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक सही सन्यासी का महिमा है, एक सही सन्यासी की महिमा है। अपने जीवन में से हम क्या क्या मेवे एक्सपेक्ट करते हैं? चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम के चतुर्थ
श्लोक में बहुत सुंदर बताते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहित की त्वयि। न धनम, मुझे धन नहीं चाहिए, न जनम, मुझे फॉलोअर्स नहीं चाहिए, न सुंदरी, मुझे सुंदर स्त्रियों की अभिलाषा नहीं है, कविताम वा, मुझे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस लेकर के वाहवाही नहीं लेनी है। यूजुअली अ पर्सन सीक्स मेवा इन दीज फोर थिंग्स, धन, जन, सुंदरी एंड इंटेलिजेंस। व्हेन वन गिव्स अप दीज थिंग्स, दैट्स व्हेन वन एक्चुअली कम्स टू प्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस। यही संन्यास है, यही योग है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। कृष्णा कृष्णा कृष्णा।